का। एक तो हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, ऊपर से तुम्हारी माँ की क्या आत्मा, तुम्हारी माँ की आत्मा से बात कराने लाया ना। जी रूबा करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने सिनेमाघरों में तूफान मचा रखा है। फिल्म ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में कदम रख दिया है और आज सैटरडे को एक बार फिर से फिल्म के कलेक्शन में इजाफा देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 2 फिल्म के पूरे 9 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप कार्तिक आर्यन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें भूल भुलैया 2 की तो अनीस बज्मी के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी और जहां एक तरफ बॉलीवुड का बायकॉट हो रहा था तो वहीं भूल भुलैया 2 ने बॉलीवुड की एक बार फिर से वापसी करा दी है और दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद आ रही है। कार्तिक आर्यन के साथ कियारा आडवाणी, राजपाल यादव और तब्बू इस फिल्म में अहम किरदारों में नजर आए थे और फिल्म से जितनी उम्मीदें थी उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर कमाई कर रही है फिल्म भूल भुलैया 2। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में यह फिल्म बनी थी और वहीं इंडिया में इस फिल्म को 3200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ओवरसीज से भी फिल्म को 630 स्क्रीन मिले थे। तो कुल मिलाकर 3830 स्क्रीन पर यह फिल्म पूरे वर्ल्ड में रिलीज हुई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो पहले 7 दिनों में जो फिल्म भूल भुलैया 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो था लगभग इंडिया में नेट कलेक्शन 92.5 करोड़ रुपए। वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन था 110 करोड़ रुपए। ओवरसीज से भी फिल्म ने लगभग 15.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। तो फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहले 7 दिनों में 125 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका था। वहीं अगर बात करें 8वें दिन यानी कि अपने दूसरे फ्राइडे की तो फिल्म ने 6.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और फिल्म का इंडिया में जो नेट कलेक्शन हो चुका है वो 98.55 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं दोस्तों आज सैटरडे यानी कि 9वें दिन की आज की जो एडवांस बुकिंग है वो 4.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। तो वहीं आज ही फिल्म लगभग 9.5 से 10 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली है और फिल्म अपने पहले 9 दिनों में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ले रही है इंडिया के नेट कलेक्शन में। तो वहीं पहले 9 दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इंडिया में जो नेट कलेक्शन है भूल भुलैया 2 का पहले 9 दिनों का वो होने वाला है लगभग 108 करोड़ रुपए के आसपास। तो वहीं अगर बात करें हम ओवरसीज कलेक्शन की तो फिल्म ने 17 करोड़ रुपए की ओवरसीज से भी कमाई कर ली है। वहीं फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन है टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वो 135 करोड़ रुपए हो रहा है 9 दिनों में और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने वो करके दिखाया है जो अभी तक बड़े बड़े अभिनेता की फिल्मों ने भी नहीं करके दिखाया था। लेकिन आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा।